वेलकम बैक पब्लिक, और मैं आपको बता दूं कि हमारा ये सेगमेंट है स्पॉन्सर्ड बाय कोका कोला, और इसमें हम करते हैं मैचेस की बात, खेले गए मैच की और खेले जाने वाले मैच की। तो हमारे साथ इरफान जहीर मौजूद हैं, यहाँ पर हमारे साथ क्रिकेटर बिलाल आसिफ मौजूद हैं। मैच की कुछ बात करेंगे हम, आपको ये बता दें कि गुज़िश्ता रोज़ मैच हुआ था लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान का, जिसमें लाहौर कलंदर जैसा कि एक्सपेक्ट नहीं किया गया था वो हार गई थी। दूसरा मैच था किसका रोहित साहब, पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का। दोनों मैचेस की करेंगे बात। और तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने एक बहुत लंबा टारगेट दिया था, 197 रन उन्होंने किए, 198 थे शायद मैं जी, तो मतलब ये अंदाजा ही नहीं किया जा सकता था कि ये भी चेंज हो सकता है। लेकिन वो जो इरफान बार बार कह रहे हैं कि मैचों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा जब ये पता चलेगा कि जी पहले नहीं खेलने वाली टीम जो है वो जीत रही है या वो हार रही है, वो हार रही है, जीत रही है या हार रही है, वाली हार रही है, चेस करने वाली है जो है वो जीत रही है हर सूरत में। रोहित साहब परफॉर्मेंस ना देखी जाए, चौके और छक्के ना देखे जाए, पहले लाहौर कलंदर वर्सेस मुल्तान सुल्तान के चौके और छक्के जो कि आप तक पहुंचाए गए हैं कोका कोला की जानिब से। ओह दैट इज अ स्लैप, वेल दे जस्ट ब्रॉट हिम अप इनसाइड द सर्कल एंड द बॉलर विल बी लिविड बिकॉज़ देयर वाज अ मैन। It's that one away for four. Welcome boundary for straight down the ground for six. Good start to the side. Oh, no one there. Nicely pulled this time into the gap in the leg side. Yeah, I thought so. I just thought the blood started to pump here. There's a man back there. He's going to have to get. Like this, look at this. Is it enough? No. Hello, and he's a bit short. Got punished. Oh, a bit of fortune. He's in that sort of form. Effortless again. Wrong and picked it. Picked the bones out of that. Did you? On fine, I don't think he'll get there. No. Oh, lovely. Too short here, Freddy and Visa. And showing them. Catch it! Oh, there was time for Visa to show his teeth. Saw that. And short. Could be out. Oh, he's palmed it. Is that Sahail? Oh, lovely looking shot from Rizwan. This will go all the way for four. No swing on offer there. Rizwan just. Oh, he beats Smith off as well. It's going to be four more. Little bit of wits, too much. Gone after him again. Straighter this time. Oh, swung away. Here you go, another one. Slow ball, beautifully timed through the offside for four. Oh, over the top, that's really clever from Rizwan. Big, got underneath it, helped himself to a biggie. Pace on the ball and it'll run away for fun and Rawalpindi. So well done, Abid Aslam. This is tucked away and that's gone as 12th. Oh, there it is again, the ramp stroke. Through the offside, power, execution. Saib Maksud. Outside edge, and that too will. Down the leg side again, off the pads. Into the leg side, too much. There you go. That was the opportunity. जनाब चौकों और छक्कों के बाद अब हम देखेंगे फॉल ऑफ विकेट्स, व्हिच इज आल्सो ब्रॉट टू यू बाय कोका कोला। ओह नो, इट्स गॉन स्ट्रेट अप इन द एयर, हूज अंडरनीथ इट, एंड रिज़वान विद द पुल शॉट ऑन, इज दैट गोइंग टू बी एक्सेप्टेड? जस्ट ओह अ
drag edge. All right, I think there's making it difficult for the batsman to form the gap. Chance of a run out. Oh dear. It's gonna go out. Is it enough? No. Score card हम बोले ना। विकेटें कैसे गिरी और कैसे कैचेस हुए वो तो देखा रूप सब स्कोर कार्ड देख लिया जाए। स्कोर कार्ड देख लेते हैं साथ साथ बात करते जाएंगे हम स्कोर कार्ड आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे और उसी पे हम बात करते चले जाएंगे। अच्छा बिलाल सबसे पहले आप ही से फखर जमान कल बहुत अच्छी इनिंग नहीं ओपन कर सके लंबी इनिंग नहीं खेल सके उनके साथ ही सोहेल अख्तर मेरी बड़ी रिजर्वेशन है इरफान थोड़ा सा उसको सपोर्ट कर जाते हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि वो इस कैलिबर का प्लेयर नहीं है कि जिसको टीम में रखा जाए मैं कम अज़ कम उसके मतलब बहुत ज़्यादा हक में नहीं सर देखें जैसे कि फखर जमान एक मैच में रन किए थे लास्ट में 82 रन लेकिन उसके बाद फिर फ्लॉप गए हैं लास्ट मैच में लेकिन सोहेल अख्तर की जहाँ तक बात की जाए तो पिछले कुछ अरसे से देखेंगे वो उनको कप्तान बनाया लाहौर कलंदर ने तो जो उनकी जो यूएई में जो एक टूर्नामेंट खेलने गए थे वहाँ पे उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की फिर यहाँ पे आके उन्होंने पिछले कुछ सीजन में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज की हैं जिसकी वजह बिना पर उन्होंने उसको कैप्टन बनाया और वो उनके लिए आप देखेंगे जो कामयाबी की रेशियो है उसकी वजह से आने से बड़ी है आल्दो कि वो खुद इतने अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे लेकिन जब से उनको कप्तान बनाया तो लाहौर कलंदर की टीम जीतना शुरू हुई है तो मेरे ख्याल वो किसी कहीं ना कहीं इस एलिमेंट को भी लेकर चल रहे हैं साथ में तो उसके बाद फिर जब दूसरी बैटिंग लाइन की बात की जाए तो मोहम्मद हफीज वंस अगेन शो किया क्लास उन्होंने अपनी थोड़ी सी मेरे ख्याल में एवरेज भी और ज्यादा बेहतर होगा। तो सब हरमीत शामिल गुफ्तगू होना चाह रहा है। जी हरमीत वैसे आजकल के मैचेस जितने भी जैसे भी हो रहे हैं ना तो बड़े कमाल के हो रहे हैं मजा आ रहा है पीएसएल जितने भी मैचेस आ रहे हैं तो उसका एक वो जो है ना ज्यादा देखने का और शौक बढ़ता जा रहा है लेकिन अगर मैं बात करूं रिजवान के हवाले से तो क्या समझते हैं इरफान और बिलाल साहब के अब वो ब्रांड बनने जा रहे हैं क्योंकि जो जिस तरह वो खेल रहे हैं जिस तरह वो क्यों एक वक्त था कि उनको कभी एक सीढ़ी पर बिठा दिया जाता कभी कहाँ कभी कहाँ लेकिन आज वो अपनी परफॉर्मेंस से अपना एक नाम जो है वो कमाल का बना और ये भी नहीं देखते कि मैंने जो है रन अपने लिए बनाने बल्कि वो बर लगे हैं तो कैसे देखते हैं उसके फ्यूचर को मुस्तकबिल को कैसे देखते हैं। अच्छा मैं एक ऐड कर दूं चीज कल से उनकी इनिंग के बाद और सरफराज की इनिंग के बाद सरफराज ने कल बड़ी अच्छी इनिंग खेली है वो उसमें अगले सेगमेंट में हम उससे बात करेंगे। उसके बाद बहुत से मुबसरी दोबारा कंपैरिजन करना शुरू हो गए सरफराज वर्सेज रिजवान पता नहीं ये क्यों आ रहा है क्यों हो रहा है ऐसा होना तो नहीं चाहिए लेकिन बहरहाल रिजवान की देखिए जहाँ तक क्रिकेट की बात है तो उसमें बड़ी अच्छी चीज है कि दोनों का कंपैरिजन हो रहा है ये पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बड़ी खुशाइन चीज है। रिजवान ज्यादा अच्छा मार्क छोड़ रहे थे लास्ट टू सीरीज में हमने देखा आउटस्टैंडिंग की और अभी भी जिस तरह की फॉर्म में जा रहे हैं सबसे अच्छी चीज ये है कि उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा जा रहा है ठीक है तो वो जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं स्ट्राइक रेट इनहेंस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये चीज सरफराज के ऊपर भी प्रेशर बिल्ड कर रही थी अगर उनको कमबैक करना तो इसी तरह की इनिंग खेलनी पड़ेगी जो कल उन्होंने भी प्रूव किया कि वो भी इसी कैलिबर के बैट्समैन है। सरफराज को थोड़ा सा एज ये है कि वो कैप्टन भी मेरा ख्याल है अभी भी आपके जितना भी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जितने भी कैप्टन है सबसे सीजन कैप्टन है और उन्होंने आपको परफॉर्म करके भी दिया हुआ एज ए कैप्टन बट जो परफॉर्मेंस रिजवान ने दे छोड़ी अभी रिसेंट टाइम के अंदर उसमें मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा उनसे एडवांटेज रखते हैं सरफराज के निस्बत बट सरफराज ने अगर कमबैक लेकिन इरफान अगर मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूँ अगर हम देखते हैं कि सरफराज को मैं देख रहा हूँ जिस तरह आपने बात की एक डिबेट भी चल रही है लेकिन हम मुसलसल देख रहे हैं कि वो बरहमी का इजहार कर बड़े काफी गुस्से नजर आते हैं कल भी असनैन पर भी वो काफी गुस्से में नजर आया फील्डरों को भी वो डांटते नजर आए क्या वजह है क्या मतलब इतना प्रेशर तो उन पर बीइंग अ कैप्टन नहीं होना चाहिए क्योंकि उन्होंने काफी कप्तानी की है मोल इंटरनेशनल लेवल पे भी। सरफराज जो परफॉर्म कर रहा है वो तो एक तरफ लेकिन सरफराज के इस एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से टीम प्रेशर में आकर शायद परफॉर्म नहीं कर पा रही। वुड यू एग्री? नहीं उसमें इतना ज्यादा नहीं है सरफराज को अगर आपको चैंपियन ट्रॉफी याद हो या उसके अलावा भी ऑन द ग्राउंड वो ऐसे ही होते हैं वो ऐसे ही बिहेव करते हैं कोई ऐसा नया नहीं हो रहा सिर्फ वो लोग फील इसको ज्यादा करें ऑब्वियसली प्रेशर तो है इसको तो हम साइड पे नहीं कर सकते कि प्रेशर नहीं है उनपे टीम से अभी वो आउट है मतलब टीम का पार्ट होते हैं बट खेला नहीं जा रहा सेकंड कीपर के तौर पे ट्रैवल कर रहे हैं अब वो आई है तो टीम उनकी परफॉर्म नहीं कर रही वो अकेला लोन सोल्जर के तौर पे वो लड़ रहे हैं तो उनकी टीम जिस तरह बॉलिंग में परफॉर्म करना चाहिए फील्डर्स वो चीज नहीं दे पा रहे जिस तरह कल उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला कि हम ये इजीली मैच जीत जाते अगर हमारे फील्डर्स साथ देते क्रूशियल रन आउट मिस किया नवाज ने उसके अलावा चौके दो चार उन्होंने कैच भी ड्रॉप किए तो ये चीजें उस लिहाज से बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कैप्टन को सपोर्ट करें क्योंकि ये टीम गेम है एक इंडिविजुअल प्लेयर की गेम नहीं है। हम मैं रोफ साहब को सपोर्ट करें रोफ साहब प्लीज हम एक कोक ब्रेक पर जा रहे हैं सो वी विल बी राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। ये सारी चीजें के लिहाज से होता है।